गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब तक हमने प्राइमरी डाटा के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट मेलिंग मेथड, क्वेश्चनर्स के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है पड़ा वो है हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो हम टू टाइप्स से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पब्लिश्ड सोर्सेज, सेकेंड है हमारा अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारा? सबसे पहले हमारे पास गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा को पब्लिश करती है अपनी रूटीन एक्टिविटी के अंदर। अब वो जो ये डाटा हो सकता है वो किससे रिलेटेड हो सकता है? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, रिजर्व बैंक की जो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर चेंजेस होता है वो हो सकता है, जो एनुअल सर्वे किया जाता है इंडस्ट्री के, जो इंडस्ट्री होती है वो एनुअल सर्वे करती है प्रोडक्ट्स को लेकर। तो जनरल पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंदर ये इस तरह का डाटा हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिश करती है, और ये डाटा फेयरली पब्लिश किया जाता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स डाटा किस किस में पब्लिश किया जा सकता है? सबसे पहला स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्ट इन। मीन्स आपको एक या दो नेम करने हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन कहाँ कहाँ पे करती है। सेकेंड है हमारा सेमी गवर्नमेंट पब्लिक, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस वो पब्लिकेशन होता है जिसके अंदर हमारे जो म्यूनसिपालिटीज होती हैं या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होती हैं वो अपने डाटा को पब्लिश करती है। और ये कौन से डाटा पब्लिश कर सकते हैं? यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड या डेथ से रिलेटेड जो डाटा होता है वो सेमी गवर्नमेंट हमारी पब्लिश करती है। थर्ड पॉइंट है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड द कमीशंस। कमेटीज़ एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ये कौन अपॉइंट करती है? कमेटीज़ और कमीशंस हमारी गवर्नमेंट बनाती है। ये लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है अपने रिपोर्ट के अंदर। कौन कौन सा हो सकता है? फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और मोनोपोलिस कमीशन हो सकता है। जो ये प्लानिंग कमीशन है हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हम प्लानिंग कमीशन के बारे में, इसके कुछ 5 ईयर्स प्लान्स को स्टडी करेंगे। तो रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जैसे कि नाम से ही क्लियर है ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना, जहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड जो डाटा पब्लिश किया जाता है हमारी जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है। इसके अंदर जो मेनली जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है, जस्ट लाइक शुगर्स की एक्टिविटी होगी कि शुगर के प्राइस कितने बढ़े, शुगर के प्राइस कितने कम हुए हमारे, तो उससे रिलेटेड, या फिर टी के प्राइस कितने इंक्रीज़ हुए, वीट के प्राइस कितने इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, तो पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन में उससे रिलेटेड डाटा पब्लिश किया जाता है। उसके बाद है जर्नल्स एंड पेपर्स, सॉरी एक पॉइंट अब हमारा रह गया, पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूशन। वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पब्लिश इन्फॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द रिसर्च एक्टिविटीज़। हमारी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं? रिसर्च करने के लिए कुछ डाटा को पब्लिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम के साथ जितने भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, वो डाटा पब्लिश कर दिया जाता है। जस्ट लाइक हमारी जो अप्लाइड नेशनल काउंसिल्स है वो अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का डाटा रेगुलर फीचर्स के अंदर पब्लिश करती है। उसके बाद है जर्नल्स एंड पेपर्स, जो ये नेम है आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे, जो हमारे नेम आया न्यूज सर्वे इसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद है जर्नल एंड पेपर्स से रिलेटेड डाटा। मैंने न्यूज़ पेपर्स सच एज इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन सच एज कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, इसके अंदर जो होता है वेरियस स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया जाता है। मीन्स जर्नल्स और पेपर्स के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, पर डाटा को पब्लिश करती है। जो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया या कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू बिजनेस के ही न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि हमारा ये दैनिक भास्कर होता है, तो ऐसे ही बिजनेस के न्यूज़पेपर्स होते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं, फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो भी फाइंड आउट करते हैं वो भी क्या करते हैं, डाटा को पब्लिश कर देते हैं। जैसे कि जो हमारा जो है लॉ ऑफ न्यूटन ने फाइंड आउट किया था कि ऊपर कुछ भी चीज़ ऊपर से गिरी जाती है तो नीचे आती है, तो उस तरह रिसर्च स्कॉलर्स भी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डाटा को पब्लिश करते रहते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का। इंटरनेशनल मीन्स हम जहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, इंटरनेशनल बाहर की कंट्रीज किस में डाटा पब्लिश करती हैं? IMF, UNO के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती है, टाइम टू टाइम डाटा को पब्लिश करती है किसके अंदर, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के अंदर। उसके बाद आता है हमारा अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड की अगर हम बात करते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डाटा को कलेक्ट करती है जनरल फॉर द सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है अपने सेल्फ यूज़ के लिए डाटा कलेक्ट करती है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया जाता, डेट इज़ कॉल्ड अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा। मीन्स अपने सेल्फ यूज़ के लिए ही पब्लिश करती है वो डाटा। तो ये था हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के बारे में।